हम पढ़ते हैं प्यूरिन कैटाबॉलिज्म। प्यूरिन कैटाबॉलिज्म मतलब प्यूरिन को तोड़ना है, ठीक है। तो एडिनोसिन ले लिया अपन ने। एडिनोसिन क्या है? ये न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या होगा? शुगर एंड नाइट्रोजन बेस, ठीक है। अब इसे अपन ने सबसे पहले तोड़ा तो क्या बन गया? आइनोसिन। आइनोसिन बना, ये भी न्यूक्लियोसाइड है, शुगर एंड नाइट्रोजन बेस इसके पास ही है। तो अपन ने इसमें से क्या अमोनिया ग्रुप को बाहर फेंक दिया है, इसलिए जो एंजाइम का नाम आया वो आया एडिनोसिन डीएमिनेस। तो सबसे पहली स्टेप में अपन ने क्या किया? अमोनिया ग्रुप को हटाया, तो एडिनोसिन से बन गया आइनोसिन, ठीक है। अब आइनोसिन से अपन ने बनाया हाइपोजेंथिन। पहले याद रख लो, पहले होता है एडिनोसिन, वो बनता है आइनोसिन, आइनोसिन से बनता है हाइपोजेंथिन, फिर बन जाती है जेंथिन, जेंथिन के बाद बन जाता है यूरिक एसिड, ठीक है। तो आइनोसिन, आइनोसिन क्या है? न्यूक्लियोसाइड, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस इसमें है। अपन ने बनाया हाइपोजेंथिन, तो ये बस न्यूक्लियो, ये नाइट्रोजन बेस है बस। नाइट्रोजन बेस मतलब ये शुगर चली गई, शुगर मतलब राइबोस शुगर बाहर चली गई है, तो राइबोस शुगर को इसने हटा दिया। तो एंजाइम आया प्यूरिन, ये थी सबस्ट्रेट, प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड था। राइबोसेल ट्रांसफरेज, राइबोस को हटा देता है, तो राइबोसेल ट्रांसफरेज ये एंजाइम का नाम हो गया, प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड राइबोसेल ट्रांसफरेज, ठीक है। अब हाइपोजेंथिन है नाइट्रोजनस बेस, इससे जेंथिन बनाया है। तो इसमें क्या अंतर है? इसमें एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया अपन ने, तो इसलिए एंजाइम का नाम आया जेंथिन ऑक्सीडेज। इधर भी जेंथिन ऑक्सीडेज आता है, जेंथिन वाला सब्सट्रेट हो गया, ऑक्सीडेज मतलब एक ऑक्सीजन जुड़ देगा इसमें, तो बन जाएगी यूरिक एसिड। ऑक्सीजन कैसे जुड़ रहा है? देखो वो H2O+O2 है, तो इसमें कितनी ऑक्सीजन हो गई? तीन, और एक H2O2 बन रहा है, मतलब एक ऑक्सीजन इसमें ऐड कर दिया हाइपोजेंथिन में, तो बन गई जेंथिन। जेंथिन में एक और ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो बन जाएगी यूरिक एसिड, इसलिए एंजाइम आ रहा है जेंथिन ऑक्सीडेज। तो अपन एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एडिनोसिन देता है, वो आइनोसिन बनता है, दोनों नाइट न्यूक्लियोसाइड हैं, मतलब एक अमोनिया का लॉस हो रहा है और कुछ अंतर नहीं आ रहा। नाम है एंजाइम का एडिनोसिन डीएमिनेज। आइनोसिन से बन जाती है हाइपोजेंथिन, हाइपोजेंथिन नाइट्रोजन बेस है, मतलब अब शुगर का लॉस हुआ आइनोसिन में से, तो एंजाइम का नाम आ गया प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड राइबोसिल ट्रांसफरेज। अब हाइपोजेंथिन जो है नाइट्रोजन बेस है, इससे जेंथिन बनाया, एक ऑक्सीजन ऐड कर दी, फिर जेंथिन में एक ऑक्सीजन ऐड कर दी, तो बन गई यूरिक एसिड। आपको याद रखना है ये। अब गुआनोसिन लेते हैं। गुआनोसिन न्यूक्लियोसाइड है, मतलब शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस इसमें भी हैं। अब इससे अपन ने नाइट्रोजनस बेस बना लिया गुआनिन, इसमें काय का लॉस हुआ? शुगर का लॉस डायरेक्टली हो गया, मतलब इसमें अपन ने पहले अमोनिया का लॉस नहीं किया है, ठीक है। शुगर का लॉस हो गया, तो अब एंजाइम आया प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड, प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड राइबोसिल ट्रांसफरेज। फिर इसके बाद आ गई ग्वानिन, ग्वानिन नाइट्रोजन बेस है, इससे जेंथिन बनाया है, ठीक है। अमोनिया का लॉस अब हुआ है सेकेंड स्टेप में, फिर जेंथिन से यूरिक एसिड बनाया, तो जेंथिन ऑक्सीडेज। इधर क्या हो जाएगा? एक ऑक्सीजन का ऐड हो जाएगा, मतलब H2O+O2, इससे H2O2 बनेगी और एक O2 जेंथिन में जुड़ जाएगी, तो यूरिक एसिड बन जाएगा। अब एंजाइम पढ़ लेते हैं। पहला एंजाइम कौन सा था? एडिनोसिन डीएमिनेज। एडिनोसिन डीएमिनेज अगर ये नहीं बनता है या इसकी कमी होती तो सीवियर कम्बाइंड इम्यूनो डेफिशेंसी SCID हो जाता है, जिसमें बी एंड टी लिम्फोसाइट दोनों अफेक्ट होती है। फिर जेंथिन ऑक्सीडेज, जेरा जेंथिन ऑक्सीडेज और येरा जेंथिन ऑक्सीडेज, अगर जेंथिन ऑक्सीडेज अगर काम नहीं करेगा तो बॉडी में जेंथिन बढ़ जाएगी, जेंथिन बढ़ जाएगी, ये काम नहीं करेगा तो हो जाएगा जेंथिनूरिया। जेंथिन बढ़ जाएगी और इसके क्रिस्टल मिलेंगे इन यूरिन, जेंथिन की क्रिस्टल मिलेंगे इन यूरिन। अब अगर मान लो जेंथिन ऑक्सीडेज काम नहीं कर रहा तो यूरिक एसिड नहीं बनेगी ना, तो हाइपो यूरिसीमिया। अब इसके बाद अपन एक और पढ़ते हैं। अगर प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड राइबोसिल ट्रांसफरेज ये काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा तो प्यूरिन बढ़ जाएंगी बॉडी में, ठीक है। मतलब न्यूक्लियोसाइड बढ़ जाएंगे तो इससे क्या होगा? इससे भी इम्यूनो डिफिशेंसी होती है, इसमें टी लिम्फोसाइट अफेक्ट होती है। कौन सी लिम्फोसाइट अफेक्ट होती है? टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट नॉर्मल होती है। एडिनोसिन डीएमिनेज अगर ख़राब होता है तो दोनों टी एंड बी लिम्फोसाइट दोनों अफेक्ट होती हैं। अब ये जो जेंथिन ऑक्सीडेज है, इसे मॉलिब्डेनम की रिक्वायरमेंट होती है, MO की, और इसको इनहिबिट करती है एक ड्रग एलोप्यूरिनोल। अगर ये इनहिबिट हो जाएगा तो जेंथिन नहीं बनेगी, या ये वाला ये स्टेप पे ये इनहिबिट होगा तो जेंथिन से यूरिक एसिड नहीं बनी। तो गाउट के ट्रीटमेंट में क्या होता है? गाउट में यूरिक एसिड बढ़ जाती है, तो अपन जेंथिन ऑक्सीडेज को
इनहिबिट कर देते हैं बाय ड्रग एलोप्यूरिनोल। कौन सी ड्रग? एलोप्यूरिनोल ये इनहिबिट कर देती है जेंटिन ऑक्सीडेज को। ठीक है, इतना याद रखना है अपन को कैटाबोलिज्म में। ये जो मैंने बोला है वो ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि एडिनोसिन डीएमिनेज अगर ख़राब होगा तो SCID हो जाती है, जिसमें BNT लिम्फोसाइट दोनों अफेक्ट होंगी। प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड राइबोसाइल ट्रांसफरेज नहीं होगा तो टी लिम्फोसाइट अकेली अफेक्ट होती है, बी लिम्फोसाइट नॉर्मल होती है, इम्यूनो डेफिशेंसी इसमें भी होती है। जेंथिन ऑक्सीडेज काम नहीं करेगा तो जेंथिन बढ़ जाएंगी बॉडी में, जेंथिन यूरिया हो जाएगा। जेंथिन बढ़ेगी तो जेंथिन के क्रिस्टल आ जाएंगे यूरिन में, जेंथिन बढ़ जाएगी यूरिक एसिड नहीं बनेगी तो हाइपर यूरिसीमिया। फिर जेंथिन ऑक्सीडेज को मोलिब्डेनम की रिक्वायरमेंट होती है। ड्रग जो इनहिबिट करती है जेंथिन ऑक्सीडेज को वो होती है एलोप्यूरिनोल, और जो गाउट के ट्रीटमेंट अपन इसे यूज़ कर लेंगे। थैंक यू।